नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल एजुकेशन सपोर्ट में। तो कल हमने जैसे FYBA का हिंदी सब्जेक्ट का कथा दर्पण का पार्ट वन किया था मनुस्मृति का, आज ये पार्ट टू है। तो हमने यहाँ पे पिछली बार रोका था वैश्या ही सही पर उसने इतनी बेशर्मी करने करके स्त्री समाज के लिए लज्जित करने का क्या अधिकार है। हमने पहली वीडियो में यहाँ तक आपको समझाया था, आज पार्ट टू में हम यहाँ से आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे मजे से सो रही है मानो अपने घर में हो, बेहाई है मैं पर्दा नहीं चाहती पर सॉरी मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशील और सलज्जा है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरा बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या आपने धर्म की लज्जा छोड़ देने से ही सबकी सप्ती होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोल तो नहीं घूमते? इसी बात पर बाईजी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती है। पुरुष संविधान है, वह दिल में समझता है और स्वाधीन हूँ, वह स्वाधीनता का स्वागत नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। मतलब उसको कुछ भी अभी कमेंट्री ये लोग पास करते जा रहे थे। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं, जो दुर्लभ है वह भी अकड़ करती है। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छिपाकर पुरुषों को जिताना नाच सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों, पुरुष क्यों स्त्री का पर्दा नहीं करता? अब वह मुंह न खुलवाओ मुनी, अब वो उनको बोलते हैं मुंह न खुलवाओ मुनी, इस छोकरी को जगा कर कह दो जाकर घर में सोए, इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है, यहाँ नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाईजी, ठंडक पाकर बेचारी की आँख लग गई है, रात भर यहीं रही, कुछ कुछ बदती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाता है, यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी, इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती की आंखें खोल देती है, ओहो इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी, मेरे सिर में चक्कर सा आ जाता करता है, मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो यहाँ आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई, फिर मुझे होश ना रहा, अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी, बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्याम नाथ को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा तो वह तो अभी इधर से ही गए हैं सच, लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं, अभी मेरा गोना नहीं हुआ है। तो क्या आप उसके लड़के वसंतलाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं, मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है, तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, किसी को ना बुलाइए, वसंतलाल वहीं खड़ा है, उसे बुला दूं? तो चलो अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं, आपकी बड़ी कृपा होगी। किसी मोहल्ले में बेज मंच जी जयाराम के घर, मैं आज ही मिस्टर बसंतलाल से कहूंगी। मैं क्यों जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता, किसी लिए कोई ज़रूरत ना थी।
तो बस इतना सा था, मतलब उनमें जो लास्ट में मीनू जो वसंत लाल यानी उसके हस्बैंड का फ्रेंड रहता है वो जाके उसे उठाता है, बोलता है कि भाई उठ सुबह, मतलब उठ दिन चढ़ गया, तो वो बोले कि मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे पे हिम्मत नहीं है। एंड जो बुढ़ा और ससुर एंड उसका हस्बैंड पहले ही उसके ऊपर कमेंट्री पास करके गए थे, तो उसको ये नहीं पता था कि वो दोनों इस पार्क में आते। बस इतना ही छोटा सा था कि मतलब आपको ये लेसन का ये शॉर्ट फॉर्म ये है कि जानना पहचान, और हम लोग कुछ भी कमेंट्री पास करने लगते हैं। बस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।